हेलो एवरीवन, वेलकम टू अश्रमिक विद्यालय, माई सेल्फ फिरदोस शेख। सो माई डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू इन अवर स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1 ऑफ ट्यून इन टू ग्रामर, सेंटेंसेस, काइंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सरसाइज नंबर ए। एक्सरसाइज इज ए, प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स इन टू टू मीनिंगफुल सेंटेंस, यानि रीअरेंज, यानि रीअरेंज करना है हमें जम्बल वर्ड, यानि जो यहाँ वहाँ रखे हुए वर्ड्स से जो उनके प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, वर्ड्स इन टू टू मीनिंगफुल सेंटेंस, उसको क्या बनाना है, तो उनको अलग अलग जो प्रॉपर प्लेस है वहाँ पे हम वो जम्बल वर्ड जो हो गए हैं उससे वर्ड्स को प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे, और कैसे, तो उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बनाना है। यूज प्रॉपर पंचुएशन एंड कैपिटल लेटर वेयर नीडेड, और हमें क्या करना है कि जहाँ पे जो फुल स्टॉप आता है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स आए तो क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क रखेंगे जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है। द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस टू बी फॉर्म इज रिटन इन ब्रैकेट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और जो किस प्रकार से बनाना है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमें कहाँ पे दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट होगा आपके क्वेश्चन के बाद में, वो ब्रैकेट के अंदर जो सेंटेंस है, जो भी काइंड्स है, जो भी उसका यूज करेंगे और हम सेंटेंसेस बनाएंगे। वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द फर्स्ट, हु द विंडो ओपन, द ओपन्ड विंडो, इम्परेटिव एंड इंट्रोगेटिव। देखो यहाँ पे हमें सेंटेंसेस, देखो ये हमारा पूरा सेंटेंस है, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस, इट इज़ नॉट द मीनिंगफुल सेंटेंस, सो वी मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ इम्परेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सो लेट्स टू एग्जांपल, लुक एट एग्जांपल, ओपन द विंडो। ओके, देखो यहाँ पे किसको पहले लिया, तो इम्परेटिव सेंटेंस बनाया है, तो सबसे पहले लिया है ओपन, फिर उसके बाद है द, और विंडो का यूज़ किया, ठीक है, और इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क्स वाला सेंटेंस, सो हु ओपन द विंडो, आ गए सब वर्ड्स टू सेंटेंस के अंदर, तो ये हुआ इम्परेटिव और ये हुआ इंट्रोगेटिव, यानी ये सेंटेंस में जंबल वर्ड्स जो है ना उसे प्रॉपर प्लेस पे रखने हैं और फिर एक टू मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर टू, हाउ स्ट्रॉबेरीज मेकिंग जूसी द शेक आर मदर इज स्ट्रॉबेरी। ओके, दिस द जंबल सेंटेंस, लुक एट हाउ स्ट्रॉबेरी मेकिंग जूसी द शेक आर मदर इज स्ट्रॉबेरी, वी यूज दिस ऑल वर्ड एंड मेक अ टू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ओके, सो क्वेश्चन इज एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव, सो फर्स्ट वी मेक अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द हाउ, व्हाट, ओ, राइट, सो वी चूज द फर्स्ट विच वर्ड फ्रॉम दिस सेंटेंस, राइट, हाउ, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सो वी यूज अ हाउ, सो हाउ जूसी स्ट्रॉबेरीज आर। ओके, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज रेडी, हाउ जूसी स्ट्रॉबेरीज आर। ओके, नाउ असर्टिव, मदर इज मेकिंग द स्ट्रॉबेरी शेक, कंप्लीट। असर्टिव मीन्स द सिंपल सेंटेंस। ओके, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स द एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सो हाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज हाउ जूसी स्ट्रॉबेरीज आर, एंड असर्टिव इज मदर इज मेकिंग द स्ट्रॉबेरी शेक, कंप्लीट। नेक्स्ट, डोंट प्लीज
नोटबुक इन स्क्राइबल वेर माई डिड यू योर फाइंड नोटबुक लॉस्ट. कुछ समझ में आया आपको ये सेंटेंस के अंदर, क्योंकि ये जंबल सेंटेंस है. नाउ वी अरेंज विद द हेल्प ऑफ इंपरेटिव एंड इंट्रोगेटिव. ओके, सो फर्स्ट वी मेक अ सेंटेंस ऑफ इंपरेटिव, काइंड्स ऑफ इंपरेटिव. सो ओके, इंपरेटिव में क्या होता है? सो इंपरेटिव इज द, लुक एट हियर, गिव्स एन ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और मेक अ रिक्वेस्ट. इंपरेटिव सेंटेंस में ये टाइप्स का सेंटेंस होता है. उसका फंक्शन जो होता है वो ये होता है. तो सिट डाउन, यू शुड लीव अर्ली एंड रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, प्लीज पुट ऑल द डर्टी इन द सिंक. रिक्वेस्ट करनी होती है, एडवाइस होता है, ऑर्डर हो तो वो टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं. ओके, दैट इज द इंपरेटिव सेंटेंस. सो स्टार्ट टू मेक इंपरेटिव मीन्स विच वर्ड वी टेक अ फर्स्ट फॉर मेक अ इंपरेटिव. सो प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग. ओके, प्लीज डोंट स्क्राइबल, फिर आफ्टर इन माई नोटबुक. ओके, प्लीज डोंट स्क्राइबल इन माई नोटबुक. इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट. नाउ इंट्रोगेटिव, मेक अ इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मीन्स आस्क अ क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव क्या होता है? तो आस्क अ क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा हो वो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव से. इज से हो, विल से हो, ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. वी मेक अ सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव. सो विच वर्ड वी यूज फर्स्ट? क्वेश्चन पूछना है हमें, वी वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन. सो वी यूज अ वेर. वेर डीड यू फाइंड योर लॉस्ट नोटबुक. कंप्लीट. वेर डिड यू फाइंड योर लॉस्ट नोटबुक एंड आई इन द कम नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क. ओके, कंप्लीट. नेक्स्ट नंबर फोर, इलोक्वेंटली दीप्ति, ब्रिलियंट स्पोक, दीप्ति स्पीच, व्हाट अ गिव. असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी. ओके, असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर फोर, वी मेक अ फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस. सो वी यूज असर्टिव मीन्स अ सिंपल सेंटेंस. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द दीप्ति. दीप्ति गेव ब्रिलियंट एंड स्पीच. असर्टिव कंप्लीट एंड फुल स्टॉप इन द लास्ट कम. दीप्ति गेव ब्रिलियंट स्पीच. ओके, सो असर्टिव कंप्लीट. एक्सक्लेमेटरी, नाउ मेक अ एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा? सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्रेजेंट इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो वी यूज द वॉट. वॉट अ इलोक्वेंटली दीप्ति स्पोक. कंप्लीट. वॉट अ इलोक्वेंटली दीप्ति स्पोक. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज रेडी हियर. ओके, कंप्लीट. फोर, ये बेस पे ही एसर्टिव एक्सक्लेमेटरी बेस पे हमें वर्ड्स चूज करने हैं और हमारा टू मीनिंगफुल सेंटेंस भी हमें बनाने हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वी डू नंबर फिफ्थ. किटन्स आर सो रूफ टॉप देयर लिटल टुडे ऑन किटन्स द आई थ्री. ओके, नाउ इंट्रोगेटिव एंड डिक्लेरेटिव. ओके, ये दोनों में दो हमें बनाने हैं. सो वी यूज द फर्स्ट, वी मेक अ फर्स्ट इंट्रोगेटिव. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोगेटिव में क्या होता है? पहले इंट्रोगेटिव क्या है वो हम समझेंगे. सो इंट्रोगेटिव इज आस्क अ क्वेश्चंस. ओके, यानी हमारा जो भी सेंटेंस है वो क्वेश्चन होगा. ओके, सो लेट्स डू. आर देयर किटन्स ऑन
on the rooftop? Okay, are there kittens on the rooftop? Interrogative complete. Now next is declarative. Okay, so declarative mein kya hoga? So declarative is a simple sentence. Okay, so I saw three little kittens today. ठीक है, मैंने आज थ्री छोटे छोटे जो कैट के बेबी होते किटन्स मैंने देखे थे. ठीक है, ये हो गया एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस. मीन्स एसर्टिव और डेक्लेरेटिव इज अ सेम. सो सिंपल सेंटेंस इज अ काइंड्स ऑफ डेक्लेरेटिव. ओके, सो आई सो थ्री लिटल किटन टुडे इज अ डिक्लेरेटिव. एंड आर देयर किटन ऑन द रूफ टॉप, इट्स अ इंट्रोगेटिव. कंप्लीट नंबर फिफ्थ. Now look at dear number 6. How today hot, is bright, is a the day weather. Exclamatory and assertive. Exclamatory and assertive. Okay, so let's start. Exclamatory means first come the word which present a strong feeling. पहला वर्ड कौन सा आएगा जो एकदम स्ट्रांग फीलिंग प्रेजेंट करे हमारी, वो वर्ड पहले आएगा. सो कौन सा वर्ड लग रहा है आपको इसमें जो हमारी फीलिंग प्रेजेंट करे? राइट, हाउ. ओके, सो हाउ हॉट द वेदर इज. हाउ हॉट द वेदर इज, ओके, दैट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नाउ लुक एट द assertive. Start to make a assertive sentence. So we use the assertive means a simple sentence, making a simple sentence. So we use the today first. Today is a bright day. Today is a bright day. Simple sentence. Today is a bright day. And how hot the weather is, that is the exclamatory sentence. Okay, that sentence present the strong feeling of a person. Okay, so complete number 6. Okay, now my dear students, 7, 8, 9 and 10 do by yourself. That is the for the practice. So 7, 8, 9 and 10 do by yourself in your notebook. Okay, but look at the first this 1, 2, 6 all question properly and understand. Repeat this video and look how to solve these questions. Okay, now look at the next. B is read this passage and identify the sentences as declarative, means write D on the proper sentence. Imperative means write IM. Interrogative means write IN. Or exclamatory means write E on the proper sentence. So let's start. It was a cloudy afternoon. जो sentence है वो कौन सा kind है, कौन सा प्रकार है इसका, types कौन सा है, which type is the sentences. So it was a cloudy afternoon, full stop in the last, and sentence is a simple sentence, means कुछ present कर रहा है कि आज afternoon कैसी है, तो एकदम cloudy बादल वाली afternoon थी वो. It was a cloudy afternoon. Afternoon कैसी थी, तो cloudy थी. ठीक है, so present only simple feeling, simple. तो क्या होगा ये, कौन सा sentence है, कौन सा kind है, that is the कौन सा declarative, right. So we write the D here. Okay, the weather was a pleasant for Remy and her friends to go surfing on their canoes. तो क्या होगा ये declarative. Okay, now you understand क्या कहना चाहती हूँ मैं. तो इसमें आपको ये sentence read करना है और ऐसे जो boxes है जो हमने आगे किया था ना learn exercise, learn वाली, same as do this. Okay, तो ये types आपको fill करना है. भी यहाँ पे देखो तो ये सेंटेंस है कि सिंस इट वॉज अ लिटल विंडी रिमीज मदर आस्क देम व्हाई डू यू वांट टू टेक अ चांस. ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला आ गया है ना,
कि आप चांस क्यों ले रहे हो, है ना, एक सजेशन जैसा दे रहे हो उसका मामा. तो दैट इज द इंट्रोगेटिव. सो वी राइट द आई एन, ओके, लाइक दिस. सो कंप्लीट दिस बी एक्सरसाइज बाई योर सेल्फ. ओके, ये भी प्रैक्टिस है आपकी जो आपको अपने आप से करनी है, ठीक है. एंड राइट द करेक्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन दिस बुक. ओके, लुक एट द बैक साइड, हियर इज ऑल्सो योर एक्सरसाइज पार्ट. ओके, सो दिस वन ऑल्सो कंप्लीट बाई योर सेल्फ. लर्न प्रॉपरली देन राइट द करेक्ट आंसर. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज. इसके बाद के वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज कंटिन्यू करेंगे एंड वी ऑल्सो लर्न द एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक. एंड आई विल सेंड यू पीडीएफ फाइल दैट वन राइट इन योर ग्रामर नोटबुक. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.